और मोगा में पुलिस और बदमाशों के बीच में हवाई फायरिंग की घटना सामने आई है। दरअसल मोगा सीआईए स्टाफ बढ़नी मलियाना लिंक रोड पर चेकिंग अभियान चला रही थी। वहीं एक बाइक पर सवार तीन युवकों को पुलिस ने रुकने के लिए कहा तो वह भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया। इस दौरान युवकों ने पुलिस पर हवाई फायरिंग कर डाली। वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और हवाई फायरिंग की, तीनों को सरेंडर करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी बामबीहा ग्रुप के साथी बताए जा रहे हैं। वहीं इस घटना में एक पुलिसकर्मी और एक गैंगस्टर जख्मी हुआ है। पुलिस ने इनके पास से तीन पिस्टल बरामद किए हैं। मामले में डीएसपी हरिंदर सिंह डोड ने कहा कि घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मोगा पुलिस वालों पिछले कुछ दिनों तो मानयोग एसएसपी विवेकशील सोनी जी के दिशा निर्देश से शिफ्टिंग नाकाबंदी ते मोबाइल गश्त पेट्रोलिंग शुरू की गई है ताकि अपराधियों के नप पाई जा सके। इस लड़ी के तहत अज सीआईए मैणा के इंचार्ज दलजीत सिंह ने समेत पुलिस पार्टी बदनी तो मलियाला जा रही सड़क न चुरस्ते नाकाबंदी करी थी। तीन नौजवान मोटरसाइकिल से दौदर साइड तो आए, पुलिस ने उन्होंने रुकन का इशारा किया तो उन्होंने वापस मोटरसाइकिल भजा लिया। पुलिस ने उन्होंने पीछा किया तो वह मोटरसाइकिल छुट के खेतों में होकर पुलिस पार्टी से मार देने की नीयत न फायरिंग कर लगे।